हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल में आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम करने वाले हैं जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो सभी जो अपने मन में क्वेश्चन है उससे कनेक्ट करके देख लीजिएगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में हम बताएंगे कि आपके आने वाले 7 मंथ कैसे होंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या लव लाइफ को लेके हो। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके आने वाली लव लाइफ कैसी होगी नेक्स्ट 7 डेज़ में, और उनका फाइनेंशियली कैसा होगा। तो आइए देखते हैं, अपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लीजिए। तो देखते हैं हमारे एंजल्स क्या कहते हैं आने वाली 7 डेज़ के बारे में। एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें आने वाले समय में 7 डेज़ में इनकी लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंशियली लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं एंजल्स, आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको चाहे वो फाइनेंशियली लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप थोड़ा इमोशनली भी फील कर रहे हैं, घबराहट फील कर रहे हैं। कुछ लोगों को बेचैनी भी होती होगी, हो सकता है रात को नींद भी नहीं आती हो। पर आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके नॉर्मल जाएंगे अगर आपने अपने मन में अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ लोग फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने आउटसाइड जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और एक बैलेंस बनाना चाहिए फैमिली में और फ्रेंड्स में, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए ताकि फैमिली को भी हर्ट ना हो। देखिए फाइनेंशियल के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। तो जिन लोगों ने फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन किया है उनके लिए ये 7 डेज़ बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, बहुत ही पॉजिटिव जाने वाले हैं। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपके हाथों में सब कुछ होगा, आप अपनी मेहनत के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। जिसकी आपने बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं वो आपको उसका फल बहुत जल्द मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो चिंता ना कीजिए, मेहनत करते रहिए। देखते हैं आगे आपको एंजल्स क्या कह रही हैं। कुछ लोग जो हैं अभी हर चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बिना वजह से उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ऐसी चीज़ें काफ़ी मन में हो रही हैं। तो मैं उन लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी कि ऐसा ना सोचें, सिर्फ अपने काम पर पूरा फोकस करें। और लास्ट में हम रेमेडी भी डिस्कस करेंगे। तो जो लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनको भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ना करें। मैं उनको चंद्रमा की रेमेडी सजेस्ट करूँगी जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपके शरीर को नुकसान ही है। तो एक थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलें काम में और अपनी लव लाइफ में। फैमिली को आपको पूरा टाइम देना चाहिए, फैमिली के साथ डिस्कशन करना चाहिए, अपनी ही जो भी प्रॉब्लम है अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ डिस्कशन करनी चाहिए और उसका एक हल निकालना चाहिए आपको। यूं ही आप मन ही मन सोच कर घुटते रहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ मुझे कहीं याद दिख रहा है कहीं ना कहीं आप मन काफ़ी उदास है आपका, आप बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हर किसी चीज़ को लेके, ज़्यादा मत सोचिए। तो आप इसका हल निकालिए और अभी हम बात करते हैं रेमेडीज़ की। यहाँ पे मैं आपको मून की रेमेडी सजेस्ट करूँगी। आपको क्या करना है, 5 सोमवार शिव मंदिर में जाना है लगातार, सुबह 8 बजे से पहले पहले या 8 साढ़े 8 बजे से पहले पहले आप शिव मंदिर में पंचामृत लेके जा सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, शक्कर और गंगा जल से सभी मिक्स करके आप शिव जी पर अर्पण कीजिए। और अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनसे, शिव जी से प्रार्थना करें, ये 5 सोमवार करें, अपना प्रण लें। और जिनको लव लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं ये उनके लिए भी रेमेडी है,
तो लव लाइफ की वजह से जिनको ओवर थिंकिंग हो रही है, या फाइनेंशली के बर्डन्स की वजह से भी ओवर थिंकिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप शिव जी का उपाय करें। आपने पंचामृत लेकर जाना है और शिव जी पर चढ़ाना है और अपनी विश मांगनी है वहाँ पे, ताकि जो आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस आए। तो अभी मैंने अभी जो रीडिंग की है, ये मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। होप आप सबको आप अच्छी लगी होगी रीडिंग, और आप सबने अपने से रिलेट करके इसको देखा होगा। तो अभी देखते हैं इन सब इश्यूज से, इन सब प्रॉब्लम से, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या लव लाइफ का प्रॉब्लम हो, इनसे निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इनसे निकलने के लिए आपको रेमेडीज़ तो मैंने बता दी हैं, पर एक कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, या कौन से आराधना करनी चाहिए, किन की आराधना करनी चाहिए किन का, तो अभी देखते हैं कौन से आपके साथ जो कौन सी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं और किन का आपको ध्यान करना चाहिए। एंजल प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स को, कौन सी शक्ति का ध्यान करना चाहिए। एंजल प्लीज़ गाइड करें। देखिए आपको शिव जी का ध्यान करना चाहिए और योगा करना चाहिए, आपको ध्यान लगाना चाहिए। ये कार्ड सबसे पहले निकल कर आया है, और दूसरा कार्ड देखिए हाथ में जो है साथ ही निकल कर आया है, ये है विष्णु जी का। ऑब्वियस है, देखिए जो प्रॉस्पेरिटी है और मनी लाइफ है, या लव लाइफ को भी आप लेकर चलें, तो विष्णु जी हैं जो लक्ष्मी जी के पति हैं। अगर विष्णु जी को बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी भी दौड़ी दौड़ी अपने आप ही आ जाएंगी, और प्रोस्पेरिटी के लिए, मनी लाइफ के लिए भी शिव जी और विष्णु जी का ध्यान किया जाता है। तो आपको इन दोनों का ही ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी का जाप करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय, दोनों में से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे वो 10 मिनट ही करें, पर करें ज़रूर। तो आज की मैं रीडिंग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जिन लोगों को रीडिंग चाहिए वो हमें मेल कर सकते हैं। पहली रीडिंग 5 मिनट की फ्री दी जाएगी, उसके बाद आपका चार्जेस लगेगा। तो जो हमारे फर्स्ट होंगे, व्यूवर्स होंगे, फर्स्ट होंगे जो कांटेक्ट करेंगे, उनको 5 मिनट की रीडिंग फ्री दी जाएगी अभी मई तक। तो बाकी जो कांटेक्ट करेंगे बाद में, उनका चार्जेस लगेगा। बाकी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। राधे राधे।